Assalamu alaikum friends, I am technical Sajjad Hussain and welcome to our YouTube channel Sindhiana Tech. Friends, aaj ki video mein aapko bataunga ke what does a bootable USB mean? Bootable USB kya hai? In simple words, asaan lafzon mein, bootable USB means you can use your USB as a CD or DVD. Aap apni USB ko CD ya DVD ke taur par istemal kar sakte hain for installing Windows in your PC or laptop. अपने पीसी या लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करने के लिए इसका मतलब फ्रेंड्स अब अपने पीसी या लैपटॉप पर विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपको सीडी या डीवीडी की जरूरत नहीं आप अपनी यूएसबी के जरिए अपने पीसी या लैपटॉप पर विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को बूटेबल यूएसबी कहा जाता है एक बात और फ्रेंड्स बूटेबल यूएसबी सिर्फ विंडो इंस्टॉल करने के लिए यूज नहीं की जाती बूटेबल यूएसबी इज आल्सो यूज्ड फॉर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन है मगर इसी की तरह बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है यू मैनो शायद आप नहीं जानते हो फॉर एग्जांपल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम Chrome operating system, Linux operating system, iOS operating system, Android operating system, Firefox operating system and much more और बहुत सारे operating system है तो इन्हों को भी install करने के लिए bootable USB का इस्तेमाल किया जाता है Number 2 data recovery friends कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो hard disk है वो booting error देती है या कोई और problem देती है कोई problem उसमें पेश आ जाती है जो हम अपनी data तक नहीं पहुंच सकते और ऐसे cases में friends ऐसे cases में भी bootable USB का इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो है data recovery tool install की data recovery tool के साथ bootable USB बनाई जाती है उसके बाद उसको boot करा के data recovery का process किया जाता है number 3 hardware और software troubleshooting या repair जैसा कि हार्डवेयर मैंने आपको बताया कि डेटा रिकवरी वो सेम प्रोसेस और सॉफ्टवेयर तो विंडोज एक सॉफ्टवेयर है अगर आपकी विंडोज करप्ट हो जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए या ट्रबल शूट करने के लिए भी बूटेबल यूएसबी का इस्तेमाल किया जाता है नंबर 4 बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फ्लैशिंग फ्लैशिंग कभी-कभी अपग्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है रीसेट करने के लिए और डाउनग्रेड करने के लिए भी फ्लैशिंग इस्तेमाल की जाती है नंबर 5 लाइव यूएसबी ड्राइव फ्रेंड्स बूटेबल यूएसबी और लाइव यूएसबी ड्राइव में बहुत फर्क है बूटेबल यूएसबी का मकसद होता है हम अपनी यूएसबी के जरिए विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं जबकि लाइव यूएसबी में विंडोज इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल होती है जस्ट हमको अपनी लाइव यूएसबी जो है अपने पीसी में लगानी होती है और वो विंडोज चलना शुरू हो जाती है उसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो नहीं होता नंबर 6 पासवर्ड रिकवरी फ्रेंड्स कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी विंडो का जो पासवर्ड है पीसी या लैपटॉप का वो भूल जाते हैं तो पासवर्ड रिकवरी के लिए भी बूटेबल यूएसबी यूज की जाती है सो फ्रेंड्स इफ यू वांट टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर पीसी फ्रॉम यूएसबी इंस्टेड ऑफ डीवीडी डिस्क अगर आप अपने पीसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं डीवीडी की बजाय अपनी यूएसबी से So you have to create a bootable USB. आपको bootable USB बनानी पड़ेगी. Nowadays you can create a bootable USB by yourself without the need of an expert. बिना किसी expert के आप अपने आप bootable USB बना सकते हैं. If you want to know more about bootable USB, अगर आप bootable USB के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो feel free to check our step by step guide on how to make a bootable USB drive for Windows 7, 8 और 10 आप हमारी स्टेप बाय स्टेप गाइड चेक कर सकते हैं कि bootable USB Windows 7, 8 और 10 के साथ कैसे बनाई जाती है स्टेप बाय स्टेप गाइड्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहां से आप चेक कर सकते हैं